गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा है आप खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये साड़ी मुझे परचेज़ हुई है राधिका कलेक्शन की तरफ से, और देखिए कैसी लगी आपको। और बहुत अच्छा कपड़ा था, बहुत अच्छे से मतलब सॉफ्ट कपड़ा था, बहुत अच्छे से प्लेट सेट हो गई थी, एकदम न्यू कलेक्शन था। आप कॉमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कैसी लगी। और आज मौसम बिल्कुल से बदल गया है और आंधी का सा आसार हो गया है, और वैसे भी बादल छा गए हैं हल्के हल्के, पर दूर से काली घटा दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि भाई बादल बहुत गहरे होंगे। और जेठानी गई है अभी मेरे पास से, हम बैठे थे, चाय वाय पी थी, और ये भी अपने प्लाट में जा रही है, पशुओं के लिए तूड़ा वूड़ा लेके आएंगी। तो तब तक मैं बाबा की चौतरी में से कुछ सूखे ईंधन इकट्ठा करके रख देती हूँ आँच जलाने के लिए। मौसम पता नहीं, 2 दिन की बारिश बता रहे हैं, 2 दिन खराब रहे, 3 दिन खराब रहे, तो ईंधन का काम भी अपना कंप्लीट कर लेते हैं। और देखिए मैंने किया, तब तक जेठानी भी आ गई तूड़ा लेके, तो वो देखो तूड़े की पोट लेके आई हैं। पशुओं को सुबह भी चाट बाट का काम किया जाएगा, तो चूड़ा डाला जाएगा, और मैंने भी अपने ईंधन रख दिए हैं साथ में। इन्हें ऊपर छत से मैंने लकड़ी उतार के भी रख दिए हैं सूखी, कि भाई चाट बाट का काम में और दूध दाद गर्म करा सब्जी वगैरह बनावा तो सूखी लकड़ी जरूर चाहिए। तो इन्हें जो सूखी लकड़ियाँ गिराई थी नीचे की तरफ, तो जो कूड़ा हो गया था उस कूड़े को साफ करके अभी डाल कूड़ी में डाल देगी, जहाँ पे पशु का गोबर वगैरह डालते हैं। और जो चेयर वगैरह और जो भी सामान बाहर रखा हुआ है, चारपाई वगैरह, वो सब मैं अंदर रख रही हूँ, और आपको बाहर का भी वो व्यू दिखाऊंगी। ये देखो अभी मैं चेयर और ये चैम्बर भी आज कल लगवाया था, तो ये भी अभी सूखा नहीं है कंप्लीट। और मैं चेयर वगैरह रख के, और मौसम भी है ना आजकल, मौसम का मिजाज भी एकदम से ही बदल रहा है। और ये भी होता है जब कहते हैं ना कि फसलें पक के तैयार होती हैं, तो इस मौसम में बारिश आती है। लगभग देखा है कि जब ये फसलें तैयार हो जाती हैं दोनों ही सीजन की, तो बारिश उस टाइम ज़रूर आती है। कैसे हिल रहे हैं, और काली घटा चारों तरफ से गांव को घेर रही है। ऐसी एक भी तरफ से नहीं है कि भाई इस तरफ से बादल आ रहे हैं, उस तरफ से खुला है, नहीं, चारों तरफ काले बादल दिखाई दे रहे हैं, और साथ में हवा भी तेज चल रही है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई बारिश ज़बरदस्त वाली आएगी। ये देखो चारों तरफ काले बादल छाए हुए हैं, अभी यहाँ तो इतना हो नहीं है, पर दूर से ही बादल दिखाई दे रहे हैं इतने ज़्यादा, और आंधी के हवा के साथ में बादल आ जाएंगे। तो इसी वजह से हम फटाफट से अपना ईंधन कोर का काम है उसको फटाफट से कर रहे हैं। और मैं बाबा की चौतरी का गेट खुला छोड़ के आ गई थी, अब मैं फटाफट उसको बंद करूँगी। जो ईंधन रह गया था वो मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, मैं फटाफट से काम में लग गई, क्योंकि पहले बना रही थी मैं इंस्टा के लिए रील, और अब मैं अपना जो ईंधन रास्ते में गिर गया था वो भी गिरा के आई गई हूँ। और अब लगूंगी मैं अपने पहले सबसे पहले कपड़े चेंज करूँगी। ये बच्चे दूध लेने के लिए आए हैं, तो ये एक दो शॉट और ले लेते हैं। और अभी जिसने भी गर्म कपड़े पैक कर दिए थे, अब फटाफट से सब के निकल जाएंगे, क्योंकि अब तक मौसम के मिजाज को भी समझ नहीं पाए। एकदम से गर्मी थी और अब एकदम से इतनी ठंड हो गई है। और एक मेरी वो ऊपर फोन रह गया था दूसरा वाला, उसको मैं लेने के लिए फटाक दे आई हूँ। और ये देखो जोड़ का पानी दिखाई दे रहा है, और गली में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, गलियाँ बिल्कुल सुनी है। देखो बिजली कैसे कड़क रही है साथ में, एकदम डर सा लग रहा है। और बच्चे वैसे घूमते रहते हैं, लेकिन मौसम एकदम से इतना बदला कि कोई दिखाई नहीं दे रहा है। पशु भी अभी झट से हम अंदर बांध देंगे, पता नहीं भाई ओला काकड़ा आ जाए, ओले गिरने का अनुमान भी बताया जा रहा है। और बच्चे भी फटाफट से अपना सामान रख रहे हैं, तो इनसे भी काम करवा रही हूँ मैं। और साथ में ये गुलाब के फूल खिले हुए हैं, तो गुलाब के फूल जो खिले हुए हैं 2 दिन पहले के फूल हैं, उन सबको कलेक्ट करके और मैं फिर डब्बे में रख देती हूँ। इसके तोड़ लिए हैं, इसके मैंने देखो तोड़ भी दिए हैं, एक दो रह गए हैं ऊपर वाले, इनको भी तोड़ के रख रही हूँ, वरना ये पत्तियाँ सारी गिर जाएंगी। और देखो सब बच्चियाँ भी ईंधन ले के जा रही हैं, जिनका घर गुआड़ा दूर है वे अपने गुआड़े से ले के आ रही हैं प्लाट से, और इधर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और मेरा लगभग सारा काम ख़त्म हो गया है, चैम्बर की देखो सीमेंट बिल्कुल गीली है, अगर ओले आ गए तो सारा मसाला खराब हो जाएगा हमारा, ही दोबारा से काम करना पड़ जाएगा। और सब दिखा रहे हैं बाहर का, देखो बाहर कैसा मौसम हो गया है, एकदम से हवा तेज चल रही है, तो ये पेड़ झुक गया है, ये पेड़ गिर गया।
बैंक है। और आजकल का मौसम है ना नमी वाला है, कहीं सूख जाता है और कहीं बारिश की वजह से ना सब कहीं नमी सी आ गई है और सब कुछ पेड़ पौधे भी खिल से गए हैं, पेड़ पौधों में भी ग्रोथ ही होने लगी है। और ये गुलाब के फूल हैं जो खिले हुए हैं और ये खुशबू चारों तरफ आ रही है। और ये इतना बड़ा पेड़ है ना, इतने ज़्यादा गुलाब के फूल हैं कि हवा चल रही थी उनकी पत्तियाँ चारों तरफ उड़ के जा रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी महक आ रही है और बारिश होने की भी तैयारी हो गई है। शाम के 5:30 बजे का समय हो गया है, बारिश आना जैसे ही शुरू होने लगी है। आजकल का मौसम कुछ ऐसा है कि कहाँ जा रहे हो, कहते हैं ना कि बारिश नहीं लग रही, अनपैक्टेबल हो सा हो रहा है, कहीं बारिश कहीं आंधी कहीं ओले, इस वजह से ना ठंड भी बढ़ गई है, बच्चों में खांसी जुकाम अब ज़्यादा हो सकती है क्योंकि